विजुअल्स विजुअल्स यहाँ पे विजुअल्स यहाँ पे विजुअल्स एक्चुअली मारपीट इसीलिए हुई संजय की गर्मी बहुत है और बाइट्स कर ले बाइट्स 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 उनकी फर्स्टली उनकी मेरा सवाल यहाँ से फर्स्टली सेंट्रल मीडिया को दो आराम से में देखना है उर्फी सबसे पहले संचित को पूरे 2 साल पूरे हुए और उनका हाल ही में बर्थडे भी है कैमरा टूट जाएगा भाई कैमरा टूट जाएगा कैमरा टूट जाएगा आते बाहर जाना अरे
किस बारे में? हाँ, संचित की कंपनी को 2 साल हो जाएंगे आज कंप्लीट, एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसी लाइफ में और ग्रो करता रहे और आगे बढ़ता रहे। अभी तो जस्ट मैत्री से मैं फ्री हुआ हूँ, अभी आगे क्या प्लान है लेट्स सी, कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं, लेट्स सी, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो डेफिनेटली स्टार्ट शूटिंग। हमें शेयर करना चाहेंगे मेमोरीज क्या थी मैत्री के साथ और क्या रीज़न था छोड़ने? रीज़न मैत्री की मेमोरी बहुत अच्छी थी, रीज़न ये है कि मैं क्रिएटिवली थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं था और मैं काफ़ी टाइम से बात चल रही थी मेरी अपने राइटर्स के साथ भी कि कुछ बेटर करते हैं, मेरे कैरेक्टर को थोड़ा जस्टिस मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा था, तो लाइक चलो एक बेटर वे निकालते, तो म्यूचुअली वी डिस्कस और मैं उस शो से एग्जिट किया। श्रेणु और सबको कितना मिस करने वाले? श्रेणु और भाविका को मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, स्पेशली भाविका, श्रेणु, मतलब ये दे बोथ आर माई बेस्ट बडीज और मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट उन दोनों को छोड़ना ही था शो में और उन्हीं की वजह से मैं काफ़ी टाइम तक था भी शो में। और कुछ कहना चाहेंगे फैंस से आपके? फैंस से ही कहूँगा यार ऐसे प्यार करते रहो, जल्दी से एक नए शो में आता हूँ या फिर देखते किस में आता हूँ। संजीत को बहुत सारी विशेज है, उसका बर्थडे है और उसकी कंपनी को 2 साल हो गए और आई विश ऐसे ही बढ़ते रहे उसकी कंपनी आगे और इंडिया की नंबर 1 PR कंपनी हो जाए। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। अरे वो तो अभी छोड़ो टाइम उसके लिए, थोड़ा आदत डाल लो अभी से मुझे बहुत आज कुछ हाल ही में बर्थडे गया और 2 साल पूरे कंप्लीट हुए, किस तरह के विशेज देना चाहोगे? ये है यार, सेल्फ मेड इंसान है, बहुत मेहनत से आगे बढ़ा है और हमने काफ़ी टाइम साथ में काम भी किया है और होपफुली हम आगे फ्यूचर में भी करेंगे, तो आई विश कि इसकी कंपनी जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो जाए और नंबर 1 PR एजेंसी हो जाए। संजीत पहले तो सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, थैंक यू, हाल ही में गया बेसिकली जन्मदिन और कंपनी का साथ में इसने कोलैब कर लिया है, अलग अलग पार्टी मिलनी चाहिए बट एक ही ठीक है चलेगा, स्मार्ट मूव था ये, बहुत स्मार्ट था। कहना चाहोगे किस तरह से हाउ यू बिल्ड दिस करियर 2 इयर्स? आई मीन लाइक आई जस्ट हैड आइडिया एंड आई जस्ट हैड ड्रीम्स एंड लाइक आई जस्ट वॉन्टेड टू बी समवन एंड आई वॉन्टेड टू वर्क हार्ड, बस वही आई जस्ट केप्ट ऑन फॉलोइंग एंड लाइक ऑब्वियसली आई हैड पीपल लाइक दीज हु ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड हु वर देयर एंड लाइक यू नो हु वर प्रमोटिंग मी इन फैक्ट, लाइक मतलब मेरी अच्छी बातें कर रहे थे जाके कि लाइक यू नो दिस गाय इज़ हार्ड वर्किंग, सो वैन यू हैव पीपल लाइक दीज लाइक आई फील लाइक यू नो आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट लाइक यू नो आई एम वर्किंग विद देम एंड आई हैव रीच्ड ओवर हियर, थैंक यू सो मच फॉर माय प्लेजर, यू आर गुड दैट्स व्हाई वी आर गुड, इफ यू आर बैड वी आर वर्स्ट। आपके कोई आने वाले समय में कोई प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के तरफ आप रुख कर? आने वाले समय का तो पता नहीं, पर मैं ऊपर जाके थोड़ा पीने वाला हूँ ठंडा पानी बहुत गंदी है। सी अभी कुछ प्लान नहीं है, जस्ट दैट मैं 4 दिन पहले फ्री हुआ हूँ तो थोड़ा सा अभी कोई भी कैरेक्टर के बाद आई टेक गैप ताकि मैं उस कैरेक्टर को भूल पाऊँ और कुछ नया लाऊँ ऑडियंस के लिए। आपके 2 PR एज अ PR फ्रॉम WM के 2 क्लाइंट बिग बॉस OTT के घर पे बीबीका एंड PR, दे आर प्लेइंग रियली वेल, बीबीका एंड पलक, पलक 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 बीबीका एंड पलक, कुछ अगर बताना चाहोगे उनकी गेम किस तरह से प्लानिंग हो रही है, बाहर से कितनी प्लानिंग? सो बीबीका तो मेरी दोस्त है, लाइक वी हैव वर्क टुगेदर एंड लाइक मतलब हम लोगों ने बहुत लाइक यू नो फन भी किया हुआ है जाने से पहले, आई डिड नॉट नो दैट शी इज सो सॉलिड एंड सो स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ प्लेइंग द गेम अमेजिंगली एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हर। पलक ऑलरेडी शोज कर चुकी है एंड आई न्यू दैट शी इज गोइंग टू किल इट, सो बोथ द गर्ल्स आर लाइक किलिंग इट एंड आई एम लविंग देम, ऑल द बेस्ट टू बोथ। या एक बेस्ट क्वालिटी आप बताइए संजीत संजीत की, ही टॉल, ही टॉल, यू आर टॉल एज़ वेल। नहीं बट एक एक्टर अपनी पब्लिसिटी की रिस्पांसिबिलिटी अगर किसी को दे, दैट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, तो वो एक चीज जो स्पार्क हुई वो तो यस में स्पार्क ये समझता है कि क्लाइंट को एग्जैक्ट चाहिए क्या, क्लाइंट की डिमांड को समझता है और हर क्लाइंट के साथ बहुत ही ऑनेस्टली काम कर रहा है, इसके काफ़ी क्लाइंट आए, आई थिंक 50 से ज़्यादा ही होंगे है ना, होंगे आराम से, तो सबके साथ में काम करता है, सबको मैनेज बहुत अच्छे से करता है, तो आई थिंक ये बेस्ट क्वालिटी है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। क्रेडिट मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देना चाहूँगा एंड ऑल्सो थोड़ा सा बहुत अपने आप को भी, बिकॉज लाइक यू नो आई हैड दिस थिंग लाइक ऑब्वियसली मतलब कुछ चीज़ें होती है लाइक यू नो यू जस्ट डू इट एंड देन लाइक यू फॉरगेट कि हाँ ये मतलब सक्सेसफुल हो गया एंड उसके बाद
वही है कि लाइक मतलब आई वॉज कंसिस्टेंट विथ माई हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली आई हैड गुड पीपल टू वर्क विथ तो लाइक या गुड टीम एज वेल मेरी टीम बहुत अमेजिंग है लाइक यू नो व्हेनेवर आई कॉल देम दे आर ऑलवेज रेडी फॉर वर्क सो आई लाइक यू नो आई विल गिव क्रेडिट टू अमन एंड उर्वशी एज वेल नो वेज मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक दो क्लाइंट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी बट सम हाउ लाइक इट वर्क एंड लाइक यू नो इट आई एम जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट थैंक यू सो मच आई फील संजू इज डूइंग सो ग्रेट और आज एक्चुअली आने जैसा माहौल नहीं बन रहा था लेकिन आई स्टिल वॉन्टेड टू मेक इट बिकॉज आई फील यू नो ही रियली डिजर्व्स समथिंग रियली ग्रेट इन लाइफ एंड जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और जहाँ तक वो पहुँचे हैं आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेट गाइज इन आवर इंडस्ट्री वेरी सून इज़ वॉट आई कैन प्रेडिक्ट अबाउट हिम सो या आई मीन संजू से मेरी लिटरली ये बात होती है कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर या बिकॉज यू हैव दैट जील एंड एक्साइटमेंट टू डू समथिंग इन एंड प्रूव योर सेल्फ सो आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे टू संजू थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट बाय बाय Visuals? यहाँ पे visuals, यहाँ पे visuals. करियर शुरू किया है वी स्टार्टेड फ्रॉम बिग बॉस एंड वी हैव ग्रोन टुगेदर मतलब हमारी जर्नी साथ में ही रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी वेयर ही हैज रीच्ड इन द काइंड ऑफ लव दैट यू रिसीव हाउ डू यू सी
जब आप पहले जाते हो बिग बॉस OTT में आपकी शुरुआत हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग मेरे लिए मारपीट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। ओ क्या कोई आ गया और कुछ बोल रहे थे? कोई हॉट लड़का है क्या? सिंगल हूँ बहुत टाइम से। ना मैं दीपिका को जानती हूँ ना मैं शोएब को जानती हूँ। संजू कब बोलते हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बिग बॉस OTT। रूटिंग फॉर दीपिका। पुनीत सुपरस्टार को इविक्ट किया पहले ही हफ्ते, तो 24 घंटे के अंदर कितना वो था अनफेयर, क्योंकि इस तरह का इविक्शन आपका ही शिट ऑन द फकिंग पॉट। हाउ वाज दैट अनफेयर? ही शिट ऑन द पॉट। उसने हक दिया यार गुले में यार, दैट्स द मोस्ट नॉट अनफेयर। बट ये क्लेरिफाई तो नहीं हुआ था। आप इस बार जा पाओगे बिग बॉस OTT में फिर से? मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके डन गाइस, डन डन। एक हमें One second, please. Nice.